सांचौर के रानीवाड़ा से बड़ी खबर है। बोरवेल की खुदाई करते वक्त गिरा युवक, घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे अधिकारी और युवक को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रानीवाड़ा के दांतलावास गांव की यह घटना बताई जा रही है, जिसमें युवक को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और रानीवाड़ा के दांतलावास के गाँव में ये घटना हुई, जहाँ पर एक जो युवक है वो बोरवेल करते वक्त गड्ढे में गिरा और अब लगातार युवक को निकालने के प्रयास जारी। तो देखिए सांचौर के रानीवाड़ा से खबर, रानीवाड़ा के दांतलावास गांव की घटना, जहां पर युवक बोरवेल के खड्डे में गिरा और उसके बाद अब सर्च ऑपरेशन चलाकर, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर यहां पर युवक को निकाला जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए रविंद्र हमारे साथ सीधा फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। रविंद्र, ये जो घटना हुई है, ये हादसा हुआ है, ये किस तरीके से हुआ और फिलहाल इस घटना को लेकर किस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि युवक को बाहर निकाला जा सके? रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का ये गांव है दांतलावास। दांतलावास गांव में बोरवेल करते समय जो बोरवेल के पास में गड्ढा था, क्योंकि बोरवेल की खुदाई की जा रही थी और उस वक्त बोरवेल करते समय गड्ढे में एक युवक गिर गया। घटना की सूचना मिलने के बाद में जो आसपास के ग्रामीण थे वो बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों ने तुरंत जसवंतपुरा एसपीएम, जसवंतपुरा का तमाम प्रशासनिक अमला है, उनको सूचना दी, जिसके बाद जसवंतपुरा एसपीएम रामलाल सहित तहसीलदार, पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के ग्रामीण भी बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया प्रशासन ने, शुरू करवाया और प्रशासन की मौजूदगी में युवक जो दांतलावास गांव में बोरवेल किया जा रहा था और ये बोरवेल का कर्मचारी बताया जा रहा है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है कि जब बोरवेल किया जा रहा था तो ऊपर से युवक जब अंदर गिरा तो वो ज्यादा नहीं 20-25 फुट पे जाके वो युवक अटक गया। उसके बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन किया और तो ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, सफल ऑपरेशन रहा है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए रविंद्र।